इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं देश दुनिया से जुड़े रोचक फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नेपाल के देशांत अधिकारी के बारे में। देशांत अधिकारी के पीठ के निचले हिस्से पर पूंछ उगी हुई है। जी हाँ, पूंछ। जन्म से लेकर अब तक ये पूंछ 70 सेंटीमीटर की हो चुकी है। पुरोहितों ने देशांत अधिकारी को हनुमान जी का अवतार बताते हुए ये पूंछ काटने से मना किया है। दोस्तों, इस तरह के बहुत से वीडियो आ चुके हैं जिनमें बताया गया है कि कोका कोला का इस्तेमाल टॉयलेट साफ करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोका कोला में रंग ना मिलाया जाए तो ये ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग का होगा। कोका कोला को मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितना भी खराब बताया गया हो, लेकिन इसकी बिक्री पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त होती है। सिर्फ दो देश ऐसे हैं जहां कोका कोला बैन है, वो देश हैं उत्तर कोरिया और क्यूबा। यहां आप कोका कोला नहीं खरीद सकते। दोस्तों, भारत की 50% आबादी की औसत उम्र 25 साल है, यानी कि भारत युवाओं का देश है। लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। जापान में बच्चों की जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ पर बच्चों के डायपर से ज्यादा तो आदमियों के डायपर बिकते हैं। आपने राजा रानियों की शानो शौकत के किस्से तो खूब सुने होंगे। आम लोग तो उनके आसपास भी नहीं फटक सकते थे, और यही चीज थाईलैंड की रानी को भारी पड़ गई। दरअसल साल 1880 में थाईलैंड की रानी पानी में डूब रही थी, लेकिन उसे कोई भी बचाने नहीं आया क्योंकि थाईलैंड की रानी को छूना मना था। ये तो आप जानते ही हैं कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, और कुतुब मीनार के तो कहने ही क्या। ये दोनों इमारतें इतिहास की अनेकों कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल कुतुब मीनार से 2 फुट ज्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 338 फीट है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 340 फीट है। अभी तक आपने आसमान से ही बारिश होते हुए देखी होगी, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे बारिश करने वाले पेड़ से, जिसका नाम समानी समन है। इस पेड़ की खासियत ये है कि दिन के समय ये पेड़ अपनी फलियों में पानी भर लेता है, फिर यही पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। इसी पानी से यहाँ के लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। आपको पता ही है कि गेहूं के दाने कितने बड़े होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में पूरे 200 ग्राम का गेहूं का एक दाना मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है जिसे ममलेश्वर भगवान शिव पार्वती मंदिर कहा जाता है। खास बात यह है कि यहाँ गेहूं का एक दाना रखा हुआ है जो पूरे 200 ग्राम वजन का है। कहा जाता है कि ये गेहूं का दाना 5000 साल पुराना महाभारत काल का है। जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे तो वे यहाँ आए थे और उनके पास से ये दाना छूट गया था। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में ट्रेन का सबसे महंगा टिकट कितने रुपए का है? चलिए हम आपको बताते हैं। भारत की सबसे महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस है। इसका सबसे सस्ता टिकट 1,93,400 रुपए का है, और सबसे महंगा टिकट 15,75,830 रुपए का है। जाहिर है, इतनी महंगी ट्रेन के टिकट सिर्फ अल्ट्रा अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को चाय पीने का शौक तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी चाय का नाम है डा होंग पाओ। इस चाय की 1 किलोग्राम की कीमत 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। ये चाय केवल चीन में उगाई जाती है। चीन में माउंट वुइस की चट्टानों में आज से लगभग 100 साल पहले इस चाय के 6 पौधे मिले थे। अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो अपने आप में एक भरा पूरा जंगल है। कोलकाता के जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान में विश्व का सबसे चौड़ा पेड़ है, जो खुद एक जंगल जितना है। ये आपको पता होगा कि बरगद की शाखाओं से जो जटाएं निकलती हैं, वो पानी की तलाश में पृथ्वी के अंदर घुसकर जड़ें पकड़ लेती हैं। ये पेड़ 1,44,400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है,
254 वर्ष पुराने इस पेड़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एक जंगल नहीं बल्कि पेड़ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर जो बाल हैं वास्तव में वो बाल नहीं बल्कि 108 घोंगे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब गौतम बुद्ध चिलचिलाती धूप में ध्यान की स्थिति में बैठे थे तो 108 घोंगों ने धूप से बचाने के लिए उनके ऊपर एक आवरण बना दिया था।